नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर काउल नेक टॉप बनाना सीखेंगे। काउल नेक टॉप जो होता है उसका ड्रेप होता है आगे की तरफ, जिस तरह से आप सूट के ऊपर दुपट्टा डालते हो, तो दुपट्टे का जो फ्रंट का लुक होता है सेम उसी तरीके से इस टॉप का आगे का लुक होता है। तो ये जो काउल नेक का ड्रेप होता है वो आपके नेक से होते हुए बस्ट लाइन तक या फिर वेस्ट लाइन तक भी होता है, और इसका बनाने का बहुत ही आसान तरीका वीडियो में बताया है जो कि आपको जरूर पसंद आएगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। फुल स्लीव के साथ काउल नेक टॉप बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 मीटर रेयॉन का कपड़ा, और उसके साइड में ही मैंने लिख दिए हैं सारे नाप जिस साइज का हम बनाने वाले हैं। लेकिन मेथड जो मैंने बताया है वो सभी साइज के लिए बताया है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कागज के ऊपर नाप डालकर लेने हैं। तो 1/2 इंच ऊपर से एक मार्क किया है और वहां पर मैंने लाइन बना दी। अब उस लाइन के नीचे नॉर्मल कुर्ती के नाप डालेंगे, जैसे कि आमहोल में लेती हूँ 1.75 इंच पर, टक्स पॉइंट में लेती हूँ 10.5 इंच पर। टक्स पॉइंट निकालने का मेथड मैंने यहाँ पर बता दिया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। 15 इंच पर कमर की लंबाई और 22 इंच पर हिप की लंबाई, मतलब जहां से हमारी स्लिट शुरू होती है वो लंबाई। अब ये जो सारे पॉइंट है वो मैं लाइन बनाकर लूंगी, और सभी लाइन्स के मैं नाम भी यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे कि सबसे ऊपर वाली होगी चेस्ट लाइन, उसके नीचे बस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन और ये हिप लाइन। अभी हम शोल्डर का नाप डालेंगे। शोल्डर में लेती हूँ नॉर्मली मेरे कुर्ती में 1.75 इंच, तो उतना ही मैंने लिया है। यहाँ पर जो भी नाप डालेंगे वो जो कुर्ती में हम डालते हैं वही डालेंगे। उसके बाद ये लाइन नीचे की तरफ जोड़ती। अब चेस्ट लाइन के ऊपर चेस्ट का नाप डालेगा, जैसे कि 34 इंच चेस्ट है, चौथा भाग हुआ 8.5 इंच, उसमें 0.25 इंच लूजिंग देकर 1.25 इंच पर मार्क किया। फुल बस्ट 36 इंच है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, तो 9 इंच पर ही मैंने मार्क किया। आप चाहो तो थोड़ा लूजिंग डाल सकते हो। कमर 30 इंच है, चौथा भाग हुआ 7.5 इंच, उसमें 0.5 इंच लूजिंग डालकर 8 इंच पर मार्क किया। और हिप 40 इंच है, चौथा भाग हुआ 10 इंच, उसमें 0.5 इंच लूजिंग डाला और 10.5 इंच पर मार्क किया। इसी तरह से आप भी अपने नॉर्मल कुर्ती की तरह ही हिप लाइन तक नाप डाल दीजिएगा। और यहां से मैंने इस तरह से शेप दिया। अब यहाँ पर हाथ से मेरा उतना अच्छा शेप नहीं आया, इसलिए ये मैं पैटर्न स्केल यूज कर रही हूँ, इसकी मदद से थोड़ा सा अच्छा शेप आएगा। और अगर आपको ये जानना है कि ये मैंने कहाँ से लिया है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहां पर चेक कर सकते हो। अब ये शेप देने के बाद इसके बाहर 1.5 इंच में सिलाई मार्जिन लूंगी। आप चाहे जितना सिलाई मार्जिन रख सकते हो, और इस तरह से हम जोड़ देंगे। अब यहां पर 3 इंच गले की चौड़ाई मैंने रखी है, जो कि मैं नॉर्मली रखती हूं, और यहां से शोल्डर स्लोप में दूंगी 0.75 इंच यानी 0.5 इंच। अब यहां से हम इसको तिरछे में जोड़ देंगे। अब यहां से यहां चेक कीजिएगा कितना है, ये मेरा 6.5 इंच है, उसका सेंटर कर दिया और पॉइंट दे दिया, और उसी पॉइंट के अंदर 0.5 इंच लेंगे, और यहां पर इस तरह से आगे के मुट्ठे का शेप यानी फ्रंट आर्म होल शेप देंगे। अब बैक आर्म होल जो है वो हम आगे के मुट्ठे से 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो यहां पर ऊपर की तरफ हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर लेंगे पीछे के मुट्ठे के लिए यानी बैक आर्म होल के लिए। तो यहां पर 0.5 इंच और यहां पर 0.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, और यहां पर ये मैं लाइन बना देती हूं। अब यहां पर देखो, ये 0.5 इंच हमने बैक आर्म होल के लिए यानी पीछे के मुड्ढे के लिए बढ़ाया है। अब ये जो पॉइंट है यहां से हम बैक आर्म होल यानी पीछे के मुड्ढे का शेप देंगे। अब यहां पर पीछे का गला मैं लूंगी 2.5 इंच नीचे, और यहां से हम इसको शेप देंगे। तो इसी स्केल से हम गले का शेप भी बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। यहां पर आगे के गले का मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा कटिंग होगा बैक गले से, बैक शोल्डर लाइन से और बैक आर्म होल से, इस तरीके से। तो चलिए इसका कटिंग करके लेते हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा जो भी हमने नाप डाले हैं वो हमारे सिंपल कुर्ती के नाप डाले हैं, तो ये हमारा पैटर्न तैयार है। अब हम इसका कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक साइड का कटिंग करेंगे।
तो उसके लिए देखो ये कपड़ा चौड़ाई में हमें इस तरह से फोल्ड करके लेना है। जितनी हमें चौड़ाई की जरूरत है उतनी चौड़ाई ही मैंने फोल्ड किया है और उसके ऊपर ये पैटर्न रख दिया है। तो ये है कपड़े की खुली वाली साइड और ये है कपड़े की बंद वाली साइड। और कपड़े के यहां पर मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, आप देख सकते हो। और नीचे की तरफ मैंने इसे 10 इंच लंबा एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि मुझे ये थाई लेंथ तक चाहिए। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट चाहिए तो आप शॉर्ट भी रख सकते हो, अगर आपको थोड़ा और ज्यादा लंबा चाहिए तो आप लंबा भी रख सकते हो। तो मैंने 10 इंच रखा है एक्स्ट्रा और इस साइड में मैं लूंगी 2.5 इंच नीचे। यहां पर मैंने 2.5 इंच नीचे लिया है हिप लाइन के नीचे और तिरछे में मैंने जोड़ दिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब यहां से मैं थोड़ा सा एप्पल कट की तरह शेप दूंगी, ये देखिए इस तरह से गोलाई में मैं इसे जोड़ दूंगी इस तरीके से। अगर आप अपने सिंपल कुर्ती के ऊपर काउल नेक बनाना चाहते हो तो भी आप बना सकते हो। अब मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर रही हूं स्केच पेन से, लेकिन आप स्केच पेन यूज मत कीजिएगा, मैं बस वीडियो में क्लियर दिखे इसलिए यूज की हूं। अब जैसा है वैसा मैं इसको कट कर दूंगी। तो इसे मैंने जैसा है वैसा बिल्कुल कट करके ले लिया है। अब आप देखो यहां पर हमने इस तरह से इसका कटिंग किया है, ये निकल गया हमारा पैटर्न। अब मैं इसको साइड में रख देती हूं और ये हमारा बैक पैटर्न तैयार है, इसे भी मैं साइड में रख देती हूं। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है यहां से आपको सीधा कट करके लेना है और ये जो है यहां पर आपके 3/4 स्लीव निकल सकते हैं लेकिन फुल स्लीव नहीं निकल सकते, तो इसलिए मैं साइड में रख देती हूं। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे अच्छे से चौड़ाई में ही फोल्ड करके लेना है। तो देखो मैंने दोनों किनारे मिलाए हैं कपड़े के और इसे फोल्ड करके लिया है। फोल्ड करके मैंने कपड़े को रख दिया है, ये है खुली वाली साइड और ये होगी बंद वाली साइड। अब हम इसके ऊपर लेंगे ये पैटर्न। अब पैटर्न के ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना है, तो ये पैटर्न हमने बैक के अकॉर्डिंग कट किया था, अब ये फ्रंट के अकॉर्डिंग कट करेंगे। जैसे कि शोल्डर लाइन और आर्म होल की लाइन अंदर की तरफ से है वो हम कट कर देंगे। तो अंदर की शोल्डर की लाइन और अंदर का आर्म होल का शेप हमने कट कर दिया। अब ये जो सिलाई मार्जिन वाली लाइन है ये भी हमें कट कर देनी है, क्यों ये मैं आपको बाद में बताती हूं। तो सबसे पहले सिलाई मार्जिन वाला हिस्सा निकाल देना है, तो ये हमने कट कर दिया। अब कट करने के बाद यहां पर देखो ये हमारी चेस्ट लाइन है और इसके नीचे ये फुल बस्ट वाली लाइन है और ये वेस्ट लाइन यानी कमर की लाइन है। अब आप यहां पर देखो कि आपको काउल का ड्रेप जो होता है आगे का वो कहां तक चाहिए, बस्ट लाइन तक चाहिए या वेस्ट लाइन तक चाहिए। अगर बस्ट लाइन तक चाहिए तो बस्ट लाइन के ऊपर कट लगाना है और अगर वेस्ट लाइन तक चाहिए तो वेस्ट लाइन के ऊपर आपको कट लगाना है। तो मुझे वेस्ट लाइन तक ड्रेप चाहिए काउल का, तो इसीलिए मैं वेस्ट लाइन के ऊपर से कट करूंगी। सबसे पहले ये बीच में से मैं आधा हिस्सा कट कर दूंगी, उसका कोई काम नहीं था। अब मैं कमर की लाइन से कट करूंगी, ये देखिए यानी वेस्ट लाइन से मैंने कट किया, यहां से ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अब देखो पैटर्न हमने इस तरह से कट कर दिया है, इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब ये बंद वाला हिस्सा है और ये खुला वाला हिस्सा है, तो बंद वाला जो हिस्सा है वहां से हम 5 इंच नीचे एक मार्क करेंगे। इस साइड में भी एक मार्क करते हैं क्योंकि हमें सीधी लाइन चाहिए। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर से हम कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ देंगे, ये मैंने मोड़ दिया इस तरीके से। सभी साइज के लिए 5 इंच पर ही आप फोल्ड कर दीजिएगा, ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद आगे का गला आप नॉर्मली कितना लेते हो, जैसे कि मैं लेती हूं मेरा 7 इंच पर या 7.5 इंच पर, तो 7 इंच पर लेती हूं तो उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो हो गया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया, तो ये हो गई हमारी नेक लाइन। जितना भी आप गला लेते हो उसमें 1.5 इंच मिलाकर आपको मार्क करना है, तो यही मेथड बच्चों को भी लागू होगा। अब यहां से फिर से एक बार 5 इंच पर मार्क करना है, बच्चों के लिए आप 4 इंच पर या 3 इंच पर कर दीजिएगा। अब ये वाला जो पॉइंट है यहां पर ये पैटर्न हम रख देंगे, तो देखो ये शोल्डर और ये मार्क ये दोनों मिलने चाहिए एक लाइन में। इस तरीके से आपको पैटर्न को अच्छे से रख देना है। उसके बाद वेस्ट लाइन से हमने कट किया था तो इसे इस तरह से फैला देंगे, ये देखिए मैंने फैला दिया इसे, इसी तरीके से आपको भी फैलाना है। और फिर ये कितना स्प्रेड किया है मैंने,
तो देखिए बड़ों के लिए 17 इंच तक आप इसको फैला दीजिएगा और बच्चों के लिए 13 या 14 इंच तक फैला दीजिएगा। अब इसके ऊपर कोई भी वजन रख दीजिएगा और इस साइड से जैसा है वैसा मार्क कर दीजिएगा। तो मैंने मार्क कर दिया, अब आप देख सकते हो मैंने जैसा है वैसा मार्क करके लिया है, बस आर्म होल तक ही मार्क करना है। अब ये जो पॉइंट है ये नेकलाइन का पॉइंट है, अब यहां से यहां तक हमें तिरछे में जोड़ देना है, बस इतना ही करना है। तो मैं इसे इस तरह से तिरछे में जोड़ देती हूँ। अब जोड़ने के बाद इस पैटर्न को हम निकाल देंगे, तो इसे हम साइड में रखेंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर हमने सिलाई मार्जिन कट कर दिया था, तो वही सिलाई मार्जिन हमें फिर से लेना है 1.5 इंच। तो यहां पर मैं 1.5 इंच पर मार्क करती हूँ। अगर हम सिलाई मार्जिन पहले कागज के ऊपर नहीं कट करते तो वेस्ट लाइन के ऊपर जो हमें कट देना था वो मुश्किल हो जाता, तो इसीलिए हमने सिलाई मार्जिन निकाल दिया था और फिर से हमने यहां पर सिलाई मार्जिन डाल दिया। अब यहां पर देखो ये मैंने लिया है बैक का पैटर्न और उसके ऊपर ये फिर से हम ये वाला पैटर्न रख देंगे। रखते समय आर्म होल की लाइन मैच कर दीजिएगा। आर्म होल की लाइन मैच करने के बाद कमर का यानी वेस्ट लाइन का मार्क कर दीजिएगा और ये देखो ये होगी हमारी वेस्ट लाइन। अब इस पैटर्न को फिर से मैं सीधे में करूंगी और इसके ऊपर ये बैक का पैटर्न मिला के रखूंगी। अब देखो ये वेस्ट लाइन मैंने दोनों की मिला दी है, नीचे के फ्रंट की और बैक की वेस्ट लाइन दोनों मिलाकर रखनी है और बस वेस्ट लाइन के नीचे जैसा भी शेप है वो डाल दीजिएगा, मतलब वो ड्रॉ कर दीजिएगा। तो ड्रॉ करने के बाद अब हम इसे बैक पैटर्न को साइड में रख देंगे और यह हमारा फ्रंट पैटर्न रेडी है। एक बात और बताती हूँ, ये देखिए ये पट्टी ऐसे ही नीचे रहेगी हमारी और वैसा ही हमें कट करके लेना है, जैसा हमने ड्रॉ किया है वैसा ही हमें कट करके लेना है। तो ये पूरा पैटर्न मेरा कट हो चुका। अब जो बचा हुआ कपड़ा है यहां पर मैं मेरे फुल स्लीव्स कट करूंगी। अब ये नेकलाइन है तो इसे मैं खोल देती हूँ जो कि फोल्ड करके रखी थी, तो इसका शेप इस तरह से दिखेगा। अब मैं इसे बीच में से भी खोल देती हूँ पूरी तरह से, खोलने के बाद ये शेप इस तरह से दिखेगा। अब ये हमारी राइट साइड है यानी सीधी साइड है और ये नीचे की तरफ उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड में हम ये नेकलाइन को डबल फोल्ड करेंगे। छोटा सा ही फोल्ड करना है या फिर आप ओवरलॉक भी करके ले सकते हैं और इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर आप सिलाई लगा दीजिएगा। तो देखिए ये है नेकलाइन और इसे मैं छोटा सा डबल फोल्ड कर रही हूं और यहां से मैं इसको पूरी तरह से सिलाई लगा कर लूंगी। यहां पर आप चाहो तो ओवरलॉक भी कर सकते हो। तो ये सिलाई लगकर तैयार है। अब फिर से एक बार दिखाती हूं, ये उल्टी साइड में मैंने सिलाई लगा दी है और अब ये सीधी साइड है। अब फिर से एक बार हम इसको अंदर की तरफ डाल देंगे, सिलाई लगाने के बाद अंदर की तरफ फिर से एक बार डाल देंगे और साइड से मैं पिन लगा कर लूंगी क्योंकि ये कपड़ा अच्छे से यहां पर सेट हो जाए, नेकलाइन अंदर की तरफ अच्छे से सेट हो जाए। तो देखो इस तरह से मैंने पिन लगाकर ले लिए हैं। अब हमें यहां से यहां ये हमारे शोल्डर के प्लीट्स आएंगे और यहां से यहां भी हमारे शोल्डर के प्लीट्स आएंगे। तो क्या करना है देखो एक बार फिर से दिखाती हूँ, ये पट्टी ऐसी ही अंदर की तरफ रहेगी। अब यहां पर हमें प्लीट्स लेने हैं तो हम यहां से नेकलाइन की ओर प्लीट्स का हमारा फेस रहेगा और इस तरह से प्लीट्स हमें लेने हैं। तो यहां से मैंने प्लीट को उठाया और इस तरह से रख दिया। यहां से 1 से 1.5 इंच चौड़ी आप प्लीट ले सकते हो और यहां पर मैं पिन लगा कर लूंगी। दूसरी प्लीट को मैंने उठाया, इस तरह से रखा और यहां पर भी मैं पिन लगा दूंगी। और अब तीसरी प्लीट, तो इस तरह से मेरे यहां पर 3 प्लीट्स आए हैं। आपके अगर आप छोटे लेते हो तो 4 भी आ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्लीट ले लिए। अब यहां से यहां भी हमें प्लीट्स लेने हैं, तो यहां से मैंने इस तरह से उठाया और इस तरह से रख दिया। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, प्लीट्स का जो फेस है वो नेकलाइन की तरफ रहेगा यानी अंदर की तरफ। तो इसी तरह से इस साइड में भी मेरे 3 ही प्लीट्स आएंगे। जितने प्लीट्स मैंने दूसरी साइड में लिए हैं उतने ही यहां पर मैं लेने की कोशिश करूंगी। तो देखो दोनों साइड में मैंने प्लीट्स ले लिए हैं। अब देखो यहां पर बीच में से गला अंदर की तरफ जाएगा इस तरीके से और ये शोल्डर की पट्टी हमारी इस तरह से यहां पर आएगी और ये यहां पर। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये फ्रंट पैटर्न।
अपने आप यहाँ पर बहुत सुंदर ड्रेप तैयार हो गया है गले की ओर। अब ये शोल्डर की पट्टी हमें चेक करनी है कितनी है, तो उसके लिए हम पैटर्न लेंगे हमारा, और इस पैटर्न का जो शोल्डर की पट्टी है उससे थोड़ी कम ही ये कपड़े की पट्टी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर ये जो हमने प्लीट्स लिए हैं वो वाली शोल्डर की पट्टी थोड़ी कम ही रखनी है पैटर्न से। अब दूसरी साइड भी हम चेक करके लेते हैं, ये वाली साइड भी हम चेक करके लेंगे, तो देखो ये थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर ये प्लीट्स थोड़ा जो है अंदर की तरफ लूंगी, ये देखिए इस तरीके से, और इसे मैं बराबर से करके लूंगी। तो इस तरह से प्लीट्स को एडजस्ट करके हम शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे, यानी शोल्डर की पट्टी की चौड़ाई एडजस्ट करेंगे। अब यहां पर हम सिलाई लगाएंगे, तो देखो यहां पर हमें सिलाई लगा कर लेनी है ताकि जो प्लीट्स हमने डाले हैं वो फिक्स हो जाए। तो पिंस को निकालते हुए मैंने यहां पर सिलाई लगा दी, यहां पर भी मैं सिलाई लगा दूंगी। तो ये शोल्डर की जो पट्टी है वो हमने कागज के ऊपर जो पैटर्न कट किया था उससे 1/4 इंच कम ही रखनी है। वो क्यों कम रखनी है, क्योंकि बैक में गला जब जुड़ जाएगा, गले का फिनिशिंग होगा, तो गले की ओर से बैक की जो शोल्डर पट्टी है वो कम हो जाएगी, इसीलिए। अब दोनों पट्टियां हमारी यहाँ पर तैयार है। अब देखो यहाँ पर सिलाई लगने के बाद कितना सुंदर ड्रेप आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये फ्रंट पैटर्न तैयार है। तो देखो ये गला इस तरह से है, और फिर से अगर इसे इस तरह से करते हैं तो ये देखिए बहुत ही सुंदर ड्रेप तैयार होता है। अब लिया है बैक का पैटर्न, और बैक के पैटर्न का गले का फिनिशिंग करने के लिए सीधे कपड़े में कटी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई कम से कम 1.5 इंच आप रख सकते हो, और एक साइड से इस पट्टी को सिलाई लगाकर ये तैयार 1.5 इंच चौड़ी है, और इसे बस छोटे छोटे प्लीट्स लेते हुए गले की ओर में जोड़ दूंगी। आप चाहो तो बुकरम भी लगा सकते हो। तो मैंने सिलाई लगा दी है और ये हमारे पैटर्न की सीधी साइड है। अब हम लेंगे हमारा फ्रंट पैटर्न जो हमने तैयार करके साइड में रख दिया था। अब देखो ये रॉन्ग साइड है, यानी उल्टी साइड है फ्रंट पैटर्न की ऊपर की तरफ, और इसे रख देंगे इस पट्टी के नीचे इस तरीके से, और इस पट्टी को इसके ऊपर डाल देंगे, और यहां से सिलाई लगाएंगे। सेम इस साइड में भी बैक गले की पट्टी को उठाएंगे, उसके नीचे फ्रंट का पैटर्न रखेंगे, यानी फ्रंट की शोल्डर पट्टी रखेंगे, और उसके ऊपर बैक गले की पट्टी रखेंगे, और यहां पर भी लगा देंगे सिलाई। तो दोनों साइड में हम सिलाई लगाकर ले लेते हैं। तो देखो यहां से मैं इसको सिलाई लगा कर लूंगी। इस तरीके से शोल्डर जोड़ने से नेक की तरफ सिलाई नहीं दिखती, शोल्डर की जो सिलाई होती है वो नेक की तरफ नहीं दिखेगी, और नेक का फिनिशिंग सुंदर हो जाएगा। तो ये हमने एक साइड में सिलाई लगा दी, अब दूसरे शोल्डर के पट्टी में भी हम सिलाई लगा देंगे। तो इसे अच्छे से हम यहां पर सिलाई लगा देंगे। अगर आपको लगता है फ्रंट शोल्डर की पट्टी थोड़ी ज्यादा हो रही है, छोटी सी प्लेट आप ले सकते हो उसमें। अब देखो ये हमारा तैयार है। अब बैक गले में हमने छोटे छोटे कट्स नहीं लगाए थे, तो वो अब हम लगा कर लेंगे इस तरीके से। बस ये कट सिलाई के ऊपर नहीं जाएंगे। अब हम इसको पलट कर लेंगे। तो कैसे पलटना है देखो, ये फ्रंट पैटर्न है, इसे मैंने इस तरह से उठाया और इस तरफ रख दिया। रखने के बाद ये सीधी साइड दोनों की ऊपर की तरफ आ गई, और ये जो पट्टी है गले की इसे अंदर की तरफ डाल दीजिएगा इस तरीके से। डालने के बाद आप देख सकते हो पीछे का गला बहुत ही सुंदर आ गया है, ये देखिए। और इसके ऊपर सिंपली सिलाई लगानी है। अब मैं आप थोड़ा क्लोज लेकर यहां पर दिखाती हूं, तो गले की और देखो इस तरह से शोल्डर जोड़ने से हमारी ये देखो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है, यहां पर सिलाई नहीं दिख रही गले की, और इस साइड में भी आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और सिलाई अंदर की तरफ चली गई है। अब इसे इस तरह से रखेंगे, और बस गले के ऊपर सिलाई लगाना बाकी है, पीछे की गले की और वो लगा कर लेंगे। अब ये सिलाई मैंने यहां पर लगा दी है, तो बस पीछे की साइड में ही सिलाई लगानी है, आगे की और नहीं। अब हम यहाँ पर स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे, लेकिन अभी हमारे स्लीव्स काटने बाकी है। तो जो बचा हुआ कपड़ा था उसे मैंने इस तरह से यहाँ पर रख दिया है, और यहाँ पर फुल स्लीव्स में कट कर रही हूं, तो मेरी पूरी लंबाई है 21 इंच, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 23 इंच पर मार्क की हूँ। 3.25 इंच पर कैप हाइट का मार्क किया है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही हमारे स्लीव्स कटेंगे।
और यहां से 7.5 इंच में रखूंगी तिरछा, क्योंकि आर्महोल राउंड मेरा 15.5 इंच है, उसका आधा होता है 7.5 इंच, मैंने मार्क किया। अब यहां से आगे का और पीछे का दोनों शेप में दे दूंगी। स्लीव्स कटिंग का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। शेप देने के बाद नीचे की तरफ मेरी गोलाई है बाजू की 4.5 इंच, यानी कलाई की गोलाई 4.5 इंच है, वो मार्क की और ऊपर की तरफ इस तरह से शेप देते हुए जोड़ दिया। अब इसे मैं जैसा है वैसा कट करूंगी, लेकिन बाहर की तरफ मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखकर ही कट किया है। यहां पर एक छोटा सा नॉच, फिर इसे खोलकर ये आगे का शेप भी मैं कट कर दूंगी। अब ये दो स्लीव्स हमारे निकल के आए हैं। अब इसमें एक सेंटर नॉच भी दे देंगे, तो इसे फिर से मैंने फोल्ड किया और सेंटर में एक नॉच दे दिया। तो इस तरह से स्लीव्स हमारे कट कर तैयार है। अब बस स्लीव्स की मोरी को हम जोड़ देंगे। तो यहां पर देखो ये स्लीव्स की मोरी है और इसको बस डबल फोल्ड मैंने कर दिया है 1/2 इंच और इस तरह से सिलाई लगाकर तैयार किया। अब इस स्लीव्स को हम यहां पर जोड़ देंगे बिल्कुल नॉर्मल हमारी कुर्ती की तरह। तो शोल्डर सिलाई और ये सेंटर नॉच स्लीव का अच्छे से मैच करते हुए दोनों साइड पर हमें स्लीव्स को जोड़ देना है। तो यहां पर थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूं। जब भी आप स्लीव जोड़ोगे तो ये प्लीट बीच में नहीं आनी चाहिए, ये साइड में रहेगी और यहां से आपकी सिलाई चलेगी। बस इसी तरह से स्लीव को जोड़ देना है। सेम उसी तरीके से दूसरी साइड में भी मैं स्लीव को जोड़ दूंगी। दोनों साइड में मैंने स्लीव्स को जोड़ दिया है। अब इसे हम यहां बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहां पर इसको अच्छे से मिला के रखना है। आगे का और पीछे का पैटर्न मिलाते हुए रख दिया है। ये देखिए, ये आमूल की सिलाई अच्छे से मैच करनी है, बैक की और फ्रंट की आमूल की सिलाई अच्छे से मैच करनी है। यहां पर भी देखो आप, अच्छे से मैंने मैच करके रखा है और सेम इसी प्रकार मैंने दूसरे साइड में भी मैच करके रखा है और 1.5 इंच पर फिटिंग का सिलाई का मार्क भी कर दिया है। अब बस उसी मार्क के ऊपर से मैं नीचे तक सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड से। यहां तक सिलाई को कंप्लीट करना है और यहां तक। तो मैंने फिटिंग की सिलाई लगाकर ले ली है। अब यहां पर आप देखो, ये देखिए, दोनों साइड से मैंने सिलाई लगाकर ले ली है। सिलाई लगाने के बाद यहां पर ये आपको दोनों पैटर्न दिखेंगे। अगर आप ये आगे का पैटर्न इस तरह से खींचोगे तो ये नीचे आ ही जाएगा, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पहनने के बाद ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, क्योंकि यहां पर ये ड्रेप का एक्स्ट्रा का कपड़ा रहता है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। पहनने के बाद ये बिल्कुल एकदम बराबर से लगेगा। अब यहां पर ये जो बॉटम है इसे मैं डबल फोल्ड करके लूंगी। अगर आपने स्लिट वाली कुर्ती बनाई है तो स्लिट दे दीजिएगा। यहां पर मैंने थोड़ा सा थाई लेंथ तक टॉप बनाया है, इसलिए मैं इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। आप यहां ऊपर की तरफ देख सकते हो मैंने कैसी सिलाई लगाई है, बस सिंपली डबल फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से पूरे गोलाई में मैं सिलाई लगा कर लूंगी। तो सिलाई लगाकर मैंने टॉप को कंप्लीट कर दिया है और आप देख सकते हो इसका लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।